गाइस मेरा नाम हर्ष है। मैं तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। नया चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ठीक है, DAC या ADC, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा लाइक, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे जूनियर जूनियर और सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा अगर लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है। पहला है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये क्या होता है। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन में क्या है, जो पहला है रिजोल्यूशन क्या होता है। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और कुछ नहीं आता है इससे, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है, VR/(n-1). VR क्या है, रेफरेंस वोल्टेज। मतलब जब हम कोई रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, V = कोई होगा 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट कोई होगा, तो क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज होगा या फिर इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। इतना वोल्टेज हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। 2n-1 होता है, ये मैक्सिमम काउंट होता है कि अगर कोई हम अगर एन बिट का है तो कहाँ से कहाँ तक काउंट कर सकता है, 0 to n-1 तक, 0 to 2n-1 तक। तो मैक्सिमम काउंट कितना होगा, 2 to n-1, तो वही लिखा हुआ है। रिजोल्यूशन क्या होता है, VR/(2n-1), एन के नंबर ऑफ बिट है, ठीक है, स्मॉल एन। अब सेकेंड पॉइंट आता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है रिजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। क्या तो डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी डाटा क्या होता है, हम बताते आगे, ठीक है। तो यहाँ देखो V0, जो आउटपुट वोल्टेज V0 है क्या होता है, K(2n-1Vn-1) +2n-2Vn-2 +... इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। आया कहाँ से, अब बताते हैं तुमको कि क्या K प्रोपोगेशन फैक्टर है और Vn क्या है, मतलब V1, V2, V3, Vn-2, Vn-1 ये सब लिखा हुआ, Vn क्या है। अगर हम Vn को 1 देते हैं, क्या देते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को अगर 1 देते हैं तो nth बिट डिजिटल इनपुट इज 1, 0 देते हैं तो 0 देता है। मतलब क्या है, अगर Vn 1 है तो क्लोज सर्किट होगा, मतलब इनपुट 1 होगा, अगर 0 है तो ओपन सर्किट होगा 1। क्या है ये ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, ये दे रखे हैं, ये मतलब V0, V1, V2, V3 ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लिख लो V0, B1, B2, Bn यहाँ तक होगा, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, R2, R3, R4, इस टाइप से है। तो V0, B1, B2 और Bn तक, ठीक है। अगर इसको हम जीरो से कनेक्ट करेंगे, मतलब ये ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो कोई करंट नहीं जाएगा, जीरो वोल्टेज होगा इस, ठीक है। अगर हम वन देते हैं, वन क्या सेट करते हैं, मतलब बी इस स्विच को कनेक्ट करते हैं वन से, तो B3 की वैल्यू 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं 0 से, तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही B2 है, अगर B2 को 1 से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज भी प्रोवाइड हो जाएगा इसमें, या रेफरेंस वोल्टेज VR आ जाएगा। अगर 0 से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब कोई वोल्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। वही लिखा उसका मतलब यही है। अब होता है फुल स्केल आउटपुट। फुल स्केल आउटपुट क्या होता है, रेजोल्यूशन एकदम मैक्सिमम डेसिमल, ये मैक्सिमम काउंट, ठीक है। रेजोल्यूशन पता है VR/(2n-1), और मैक्सिमम डेसिमल कहाँ पे होता है, मैक्सिमम काउंट तक, 2n-1 तक। इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फुल स्केल आउटपुट क्या होता है, VR के रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, फुल स्केल आउटपुट किसके बराबर होता है, रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। माइंड में सीधे कुछ हटते जाना, ठीक है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इससे। जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन क्या होता है, परसेंटेज रेजोल्यूशन, कैसे निकालते हैं, रेजोल्यूशन अपॉन VFS या फुल स्केल वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, फुल स्केल आउटपुट कुछ बोल दो। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, VR/(2n-1), अगर इसमें डिवाइड करेंगे, और फुल स्केल कितना है, VFS किसके बराबर, VR के बराबर होता है, तो VR से VR क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, परसेंट रेजोल्यूशन 1/(2n-1)×100, ये फॉर्मूला था, क्या होता है, परसेंटेज रेजोल्यूशन =1/(2n-1)×100, 1/(2n-1)×100। अगर रेजोल्यूशन पूछे तो VR/, अगर परसेंटेज रेजोल्यूशन पूछे तो 1/, ठीक है, इतना याद रखना। एक्यूरेसी एंड एरर, ठीक है, क्या ऐसे पॉइंट क्या लगता है, मैक्सिमम एरर एक्सेप्टेबल इन DAC और ADC is 1 LSB bit which is equal to resolution। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा क्या है, जो मैक्सिमम एरर होगा किसके होगा, रेजोल्यूशन के, जो LSB bit होगी क्या होगी, रेजोल्यूशन के बराबर होगी। मतलब एरर मैक्सिमम रेजोल्यूशन बराबर हो सकता है या फिर लेस देन,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर इज लेस देन और इक्वल टू रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से एरर कम होगी या फिर उससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी रेजोल्यूशन से, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, वेटेज रजिस्टर एरिस डी ए सी का जो पहला कौन सा है, वेटेज रजिस्टर डी ए सी, इसमें क्या है देखो। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कनेक्ट है। ये आर टू आर फोर आर अंतर देख लो, वेटेज रजिस्टर डी ए सी में क्या होता है, वेटेज वाई इंक्रीज करते हैं, आर टू आर फोर आर डॉट डॉट करते हैं, टू की पावर एन, मतलब टू की पावर एन उसको इंक्रीज करते हैं। ऐसे यहाँ पर स्विच दे रखे हैं बी नॉट बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन तक, ठीक है ना। जो इसका आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वी आई, ठीक है, यहाँ पर वी आई मान लेते हैं, वी आई इंटू इसका वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा वी आई इंटू वोल्टेज गेन टू वी आउटपुट, ये होता है ना। तो इसका वोल्टेज गेन कितना होगा, माइनस आर एफ अपॉन आर, कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर होगा इनमें से कोई, ठीक है, तो माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है, माइनस आर एफ अपॉन आर। अब जो इसका जो इनपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, वो होगा वी रेफरेंस अपॉन टू की पावर एन, वी रेफरेंस, रेफरेंस वोल्टेज ये अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, क्या बोला, वी रेफरेंस अपॉन टू पावर एन माइनस वन, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई बी आई, ठीक है। अब ये देख लो, फिर मैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इससे क्वेश्चन काफ़ी लगवाऊंगा मैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज गेन से, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब जो उसका जो प्रोपोर्शनल फैक्टर है, प्रोपोर्शनल फैक्टर क्या है, आर एफ अपॉन आर इंटू टू पावर आर इंटू, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल फैक्टर है, ठीक है ना। ये हमारा वेरी कर रहा है लेकिन ये हमारा क्या, कांस्टेंट है, ठीक है। आई इक्वल जीरो टू एन माइनस वन, ये वेरी करता रहेगा लेकिन ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या, आर एफ अपॉन टू पावर एन माइनस वन इंटू आर इंटू वी आर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनपुट अगर बोले करंट कितना होगा, तो करंट क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन आर एफ, अगर वी आउटपुट अपॉन आर एफ निकाल लोगे तो इनपुट वोल्ट करंट आ जाएगा, इसी से एक याद करना है, दो याद नहीं करना है। अगर वोल्टेज निकाल लिया तो करंट ही निकाल लोगे, करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रजिस्टर होता है, तो वो वी नॉट अपॉन आर एफ, तो वहाँ जितनी जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट करंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैक्सिमम करंट जो ये है ना, ये स्केल मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकती है, टू द पावर एन माइनस वन तक काउंट कर सकती है, कहाँ तक काउंट कर सकती है, टू द पावर एन माइनस वन तक। स्केल कितने रख देंगे, टू द पावर एन माइनस वन, तो मैक्सिमम वो करंट आ जाएगा, ठीक है। अब रजिस्टर तो एल एस पी रजिस्टर होता है टू टू पावर एन माइनस वन इंटू एम एस बी रजिस्टर जो होता है, क्या बोला, जो एल एस बी रजिस्टर होता है टू टू पावर एन माइनस वन, इस फिगर में देख लो कि एम एस बी वेट है ना, ये एल एस बी वेट है, तो एल एस बी रजिस्टर कितना, टू पावर आर है, कितना है, एल एस बी रजिस्टर आर है, और लेकिन एम एस बी रजिस्टर सॉरी एम एस बी रजिस्टर कितना आर है, एल एस बी रजिस्टर कितना टू टू पावर एन माइनस आर, तो एल एस बी यहाँ से लेता है, तो कितना जाएगा, जो दिख रहा है सामने से, ये इक्वल टू कितना, टू पावर आर टू की पावर एन माइनस वन टेंथ ऑफ आर, मतलब ये कितना, कितने का मल्टीप्लीकेशन है, कितने स्केलिंग फैक्टर है, टू द पावर एन माइनस वन से, तो वही ये लिखा हुआ है, एल एस वी रजिस्टर है वो क्या, टू द पावर एन माइनस वन इंटू एम एस वी रजिस्टर जो होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर इसमें टोटल डिफरेंट ऑफ लेवल पूछे टू द पावर एन लेवल होंगे, अगर स्टेप पूछे टू द पावर एन माइनस वन स्टेप होंगे, जीरो टू वन एक स्टेप हुआ, वन टू 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 स्टेप हुए, तो कितने लेवल होंगे, कितने स्टेप होंगे, सॉरी कितने स्टेप होंगे, टू पावर एन माइनस वन, लेवल कितने होंगे, टू पावर एन, समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है आर टू आर लैडर डी ए सी बाय यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग ओप एम, ठीक है ना, नॉन इन्वर्टिंग है वो, इन्वर्टिंग था ना ये, नॉन इन्वर्टिंग है, आर टू आर लैडर है, मतलब देखो आर टू आर, आर टू आर इस टाइप से लगे हुए इन्फिनिट तक, ठीक है ना। तो जो इसका आउटपुट, जो इसका वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज गेन कितना होता है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, कितना होता है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन हो जाएंगे, तो जाएगा वोल्टेज गेन, इसका हम अगर वी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, वी एक्स से, यहाँ वी एक्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा वोल्टेज गेन में अगर इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज आ जाता है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन मल्टीप्लाई किससे किया है, देखो उसमें और इन सब में अंतर क्या, उसमें यहाँ पर टू की पावर एन माइनस वन थी, यहाँ पर क्या एन है, इतना अंतर है, बाकी सब सेम है, क्या वी देखो भरोसा नहीं हो रहा है, ये देखो ये क्या था, आर एफ अपॉन टू की पावर एन माइनस वन,
आर एफ अपॉन टू टू द पावर एन, ठीक है ना। समेशन यहाँ पर समेशन समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई वी आई, ठीक है ना, सेम याद कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही आता है इन्वर्टिंग का, आर टू आर लेडर डी ए सी बाई यूजिंग इन्वर्टिंग ओपन, ठीक है, कौन सा इन्वर्टिंग ओपन, इसमें क्या किया गया, हाँ जो उसका वोल्टेज गेन होता है इन्वर्टिंग का क्या होता है, माइनस आर एफ अपॉन आर होता है, लेकिन आर कितने हैं इसमें, एक आर यहाँ से आएगा, ठीक है, आर टू आर है तो आर टू आर, आर टू आर एक आर यहाँ बचा हुआ है, एक टू आर यहाँ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, एक आर ये टू आर ये, फिर थ्री आर एक्स्ट्रा है, कितने एक्स्ट्रा है, थ्री आर ए, अगर मैंने क्वेश्चन ये ना दे रखा होगा, ठीक है ना, तो माइनस आर एफ अपन आर ही होगा, ठीक है, अगर ये दे रखा है तो सीरीज में आर प्लस टू आर कितने थ्री आर होगा, ठीक है, तो उसका गेन कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ अपन थ्री आर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे इससे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, माइनस आर एफ थ्री आर मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो हमारा वोल्टेज होता है वी रेफरेंस अपॉन टू की पावर एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई वी आई, ठीक है ना, ये टू आर कहाँ से आया था, थ्री आर कहाँ से आया था बताया ना पीछे, टू आर यहाँ पर एक्स्ट्रा था, एक आर यहाँ पर एक्स्ट्रा था, अरे ये देख रहे यार भरोसा नहीं करता, टू आर ये एक आर यहाँ पर, तो थ्री आर हो जाएगा ना। अब करंट बोले, करंट क्या होता है, इनपुट अपन आर एफ सॉरी मतलब वोल्टेज अपन आर एफ, ये तो होता है ना वोल्टेज अपन आर एफ, वी वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस होता है ना, तो वी नॉट अपन आर एफ निकाल लो, जो बचेगा यहाँ पर वो करंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ आर टू आर लेडर इज वी आर अपन टू पावर, इसका जो रिजोल्यूशन होता है रेफरेंस वोल्टेज अपन टू की पावर एन होता है, याद रखना, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आया है, आए नहीं ऐसे यहाँ तक, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आए ये नहीं आया, ठीक है, अभी आज तक। फिर इन्वर्टिंग लेडर आर टू आर टाइप डी ए सी क्या होता है, ये क्या था, नॉन इन्वर्टिंग पढ़ लिखे इन्वर्टिंग सॉरी इन्वर्ट लेडर, ये क्या है, सारी लेडर ऐसी थी, ठीक है, अब उसको उल्टा कर दिया, तो इसी क्या बोले इन्वर्ट लेडर आर टू आर टाइप डी ए सी, ये कैसा होगा, जिसका रेफरेंस वोल्टेज होगा क्या होता है, माइनस आर एफ अपॉन आर होता है, माइनस आर एफ आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर, लेकिन आर यहाँ पर एक अच्छा दे रखा है, माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है ना, माइनस आर एफ अपॉन आर मल्टीप्लाई करोगे उसी से, मल्टीप्लाई सेम सेम चीज़ होती है भाई, माइनस आर एफ अपॉन आर वी रेफरेंस अपॉन टू की पावर एन इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन वी आई और टू की पावर आई वी आई, ठीक है। करंट निकालना है तो वी नॉट अपॉन आर एफ जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है, अभी तक तो डी ए सी पढ़ रहा था, अब आया ए डी सी, अभी तक डी ए सी पढ़ा था, ए डी सी आ गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जितने थे अभी ये डिजिटल टू एनालॉग थे, अब एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है ना। जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, वी मैक्स माइनस वी वन, वोल्टेज ऐसे अगर दे रखा होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज, वोल्टेज रेंज हो जाएगी। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है, सेम होता है वी रेफरेंस या वी रेंज, इसमें वी रेफरेंस था, इसमें वी रेंज, जो टोटल रेंज होगी तो वोल्टेज रेंज अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, क्या बोला, रेजोल्यूशन होगा वी रेंज अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, परसेंटेज रेजोल्यूशन वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, ठीक है। अब डायनामिक रेंज, ये इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, डायनामिक रेंज होती है क्या होती है, 1.8 प्लस 600 डीबी, ये डीबी में होता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, 1.8 प्लस 600 डीबी, ये क्या डायनेमिक रेंज है, ये वोल्टेज रेंज है, ये डायनेमिक रेंज है, अंतर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बताएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके बाद तब समझाएंगे, ठीक है। इतना याद रखो कि डायनेमिक रेंज कितना होता है, 1.8 प्लस 600 डीबी, डीबी में निकलता है, ठीक है। अब एडीसी कितने टाइप है, एडीसी चार टाइप है, कौन कौन से, काउंटर टाइप, ठीक है, ऐसे आर टाइप, फ्लैश टाइप, डुअल स्लो टाइप, ऐसे आर क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप, ऐसे आर क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप, काउंटर टाइप, फ्लैश टाइप, डुअल स्लो टाइप, ठीक है, एक एक समझते क्या हो जाता है। पहला है काउंटर टाइप, ठीक है, काउंटर टाइप एडीसी, देखो ये फिगर है उसका, ये कंपैरेटर है, ठीक है, ये नैंड गेट लगा हुआ है, ये फोर बिट बाइनरी काउंटर है, क्या फोर बिट बाइनरी काउंटर है, ये लैचेस हैं,
ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है ना। ये क्या होगा, अगर हम कोई वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना, अगर जब तक ये वोल्टेज देंगे, अगर यहाँ से कोई इंक्रीज होते होते आएगा, अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा, अप्लाइड वोल्टेज का ज़्यादा होगा इस वोल्टेज से, तब तक ये वन देता रहेगा, यहाँ ये ज़्यादा हो गया तो ये जीरो पकड़ देगा, ठीक है ना। तो काम कैसे करता है ये, अगर हमने वोल्टेज यहाँ 4.5 किया, 4.45 नहीं है, 4.5 दिया, ठीक है ना, तो पहला एक क्लॉक पल्स जाएगी इसकी, तो क्या देगा, पहले जीरो देगा, एक क्लॉक पल्स के बाद फिर वन देगा, फिर दूसरी क्लॉक पल्स के बाद टू देगा, जब तक ये वन वन देता रहेगा कंप्यूटर, ठीक है, जब तक ये वन देता रहेगा ये इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, जैसे ही ये फाइव हो जाएगा, ठीक है, फोर तक तो ये ऑन रहेगा, जैसे ही फाइव आ जाएगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो कैसे काउंट करता है, जीरो टू फोर, ठीक है ना, एक एक करके इंक्रीज करेगा, तो जब तक ये 4.5 ज़्यादा है, जब तक ये बंद देता रहेगा कंप्यूटर, ठीक है, कंपेयर कंपेयर करता है, तो पहले कितना आएगा, जीरो, कंपेयर करेगा ज़्यादा ही है तो वन दे दिया, फिर वन आया कंपेयर करेगा ज़्यादा है फिर वन दे दिया, फिर टू आएगा कंपेयर करेगा ज़्यादा है फिर वन दे देगा, फिर थ्री आएगा ज़्यादा है कंपेयर करके फिर दे देगा, फिर चार आएगा ऐसे, पाँच आएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कंप्यूटर का ऑफ हो जाएगा, जीरो प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, यहाँ जीरो देगा, अभी जीरो देगा तो ये वन हो जाएगा, जहाँ ये वन हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, समझ आ रहा है। देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, इसमें कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स यूज होती है, 2n-1 तक यूज होती है, ठीक है ना। मैगजाम में कहाँ तक काउंट करेगा, यहीं तक काउंट करेगा, तो कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स होंगी, 2n-1 होती हैं, ठीक है, याद रखना। अगर मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम तो वही है, इसमें मल्टीप्लाई टी क्लॉक, एक क्लॉक पल्स की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, काउंटर टाइप ADC इज आल्सो नोन एज रैम टाइप, इसको क्या कहते हैं, रैम टाइप, इन कैसे इंक्रीज कर रहा है, 0, 1, 2 रैम पे इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या होते हैं, रैम टाइप ADC, ठीक है, याद रखना। जो काउंटर टाइप ADC उसको क्या कहते हैं, रैम टाइप ADC, क्योंकि ऐसे कैरी कर रैम वेरी कर रहा है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करेगा। इन दिस ADC कन्वर्जन टाइम डिपेंड ऑन इनपुट एनालॉग वोल्टेजेस, ठीक है, जो ADC है, इन दिस ADC में, इस काउंटर टाइप में जो कन्वर्जन टाइम है डिपेंड करता है किसमें, इनपुट एनालॉग वोल्टेज में, जो हम वोल्टेज देते हैं उस पर डिपेंड करता है, ये ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, कम देंगे तो कम टाइम लगेगा, सीधे सीधे लगाया, जो कन्वर्जन टाइम डिपेंड ऑन इनपुट एनालॉग वोल्टेज पर, ठीक है। SAR सक्सेसिव, हाँ ऐसे फॉर्म क्या है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर टाइप, ठीक है, ADC, इसका ऐसे हम लोग को, ये कंपैरेटर है, फिगर देख लो इसका, पहले कंपैरेटर है, फिर क्या कंट्रोल सर्किट है, क्या कंट्रोल सर्किट है, ये SAR है, ठीक है ना, ये बफर रजिस्टर है, क्या है बफर रजिस्टर है, ये क्या है DAC है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, यहाँ से डिजिटल फॉर्म में कोई आई थी उसको ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, 5.3 दी मैंने, क्या दिया 5.3 दिए, तो क्या करता है ये आधे ऐसे, ये एक काम अगर 4 बिट है, क्या 1, 2, 3, 4 4 बिट है, तो इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से होगी, 0 to 15 होगी, तो क्वेश्चन क्या करता है, ये पहला आधे आधे में बांट देता है, 8 पर देखेगा ये आधी रेंज होगी, ये आधी रेंज होगी, फिर ये कंपेयर करेगा कैसे, जैसे कि 8 5.3 है, तो उसे जो पहला इनपुट आएगा वो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, कंपेयर करेगा, और कैसे दे रखे हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन दे, दो एग्जांपल दे रखे हैं, अगर हमें VA की वैल्यू कितनी थी, 14.7 ली, ठीक है, तो ये पहला इनपुट होगा क्या आएगा, 8 आएगा, 1000, ठीक है, कंपेयर करेगा ये ज़्यादा है तो क्या कर देगा, 100 को फिर कन्वर्ट कर देगा एक क्लॉक पल्स में 1100, क्या कैसे, देखो क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सीधे क्लॉक पल्स पूछेगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने यहीं पर लिख रखे हैं, जैसे कि इनपुट वोल्टेज कितना दिया मैंने, 14.7, तो पहले जो पहला क्लॉक पल्स आएगी, सॉरी जो पहला इनपुट आएगा क्या आएगा, 8 वोल्ट आएगा, ठीक है, कंपेयर करेगा 14.7 जाता है, तो 8 से सीधे क्या किस में जाएगा, 12, मतलब 1100, ठीक है, फिर कंपेयर करेगा जाता है क्या जाएगा, 1110 कितना हो गया, 14 हो गया, फिर कंपेयर करेगा ये ज़्यादा है, फिर अगला जो क्लॉक पल्स होगी क्या होगी, 111, ठीक है, फिर देखेगा कि हाँ ये इससे छोटा है, कितनी क्लॉक पल्स मिली इसमें, तो ये बंद हो जाएगी, तो कितनी क्लॉक पल्स थी उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए, 1, 2, 3, 4 क्लॉक पल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारा 2.3 दे रखे हैं, किसमें 2.3 दे रखे हैं, तो पहले 8 हमेशा ये 8 देगा, 8 से कंपेयर करेगा छोटा है,
कितना छोटा है वो बाद में देखेंगे। इस आठ जगह छोटा है तो फिर क्या करेगा, इस देखो अगर ज़्यादा है तो इस टाइप से मूव करता है, वन से फिर 1100, 1110 फिर 111, अगर कम है तो 1000, ठीक है। उसके बाद छोटा है तो आठ के बाद क्या आएगा, 4010, मतलब ये वन के सकता रहेगा एक एक, फिर से देखेगा कंपेयर करेगा कि हाँ कम छोटा है, ठीक है 2.3 छोटा है 4 से, तो क्या करेगा अब यहाँ सेट हो जाएगा 100। अब देखेगा यहाँ पर बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो सीधे कर दे देगा, इतना दे देगा 0011। कितनी क्लॉक पल्स यूज हुई, 1 2 3 आखिरी में 4 है सर। मैं अब इसको क्वेश्चन कराएंगे देख लेना, अभी मैंने समझा दिया ठीक है। इसे कुछ पॉइंट है ऐसे यार, इसमें नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी रिक्वायर्ड होती है, एन क्लॉक पल्स लगती है। अगर एन बिट है तो कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी, एन बिट ही लगेंगी ठीक है ना, एन क्लॉक पल्स लगेंगे। टाइम निकालना है तो टी क्लॉक से मल्टीप्लाई करना है, तो वही पॉइंट है ना। इन एस ए आर डी ए डी सी कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एनालॉग वोल्टेज, क्या है एस ए आर ए डी सी है और क्या है कन्वर्जन टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज। कन्वर्जन टाइम इस पर डिपेंड नहीं करता हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये 14 पॉइंट है और ये कितना था कितना है, दोनों कितनी कितनी क्लॉक पल्स यूज हो रही हैं, 4 4 यूज हो रही हैं, तो इस पर इनपुट डिपेंड कर रहा है नहीं डिपेंड कर रहा है, तो इनपुट हम कुछ भी दें इसकी क्लॉक पल्स इस पर डिपेंड नहीं होंगी, बस ये लिखा हुआ है ठीक है। अगला है फ्लैश टाइम, क्या है फ्लैश टाइम, वही इसे लो ये क्या कंपेरेटर दे रखे हैं, ये रेफरेंस वोल्टेज सब से, रेफरेंस वोल्टेज सबसे कनेक्ट होता है ठीक है ना। अब अरे सॉरी इनपुट वोल्टेज सबसे कनेक्ट होता है, अभी क्या रेफरेंस वोल्टेज है आर टू आर लेडर, उससे आर लेडर बनाते हैं लेडर टाइप, वही आर लेडर टाइप सॉरी आर लेडर टाइप, आर 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 ये ब्रेक कर देगा, इस पूरे रेंज को ब्रेक कर देगा ठीक है ना। अगर हम 8 वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 1 वोल्टेज होगा, 2 वोल्टेज होगा, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 5 6 7 आखिरी में 8 ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टेज डिवाइडर की तरह। जैसे यहाँ पर वोल्टेज वी है तो मतलब क्या होगा, 7 VR/8, इसका 6 VR/8, 5 VR/8, 4 VR, 3 2 1, इस टाइप से वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, कंपेरेटर का काम करता है। ये क्या पैरिटी, देखो क्या पैरिटी एनकोडर है, क्या है 2 to the power 3:3 ठीक है ना, 2 to the power 1 x 1 की क्या है ये पैरिटी एनकोडर लगा होता है, आखिर में क्या डिजिटल आउटपुट होता है। फिगर को देख लो ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर इसमें एन बेटा है, किसमें एन बेटा है, क्या है अगर एन विट कंपेयर, अगर एन विट फ्लैश टाइप एडीसी है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कंपेरेटर होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपेरेटर कितने होंगे, 2 to the power n-1 कितने होंगे, अगर 2 to the power n-1 है 3 बिट है, 3 to the power 3 कितना 8 हो जाएगा, कंपेरेटर कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो रहे हैं, कितने 2 to the power n-1 कंपेरेटर यूज होते हैं। रजिस्टर कितने यूज होते हैं, 2 to the power n रजिस्टर यूज होते हैं। पैरिटी एनकोडर कितना होगा, 2 to the power n-1 का पैरिटी एनकोडर यूज़ करता है इसमें। ये फास्टेस्ट एडीसी अमाउंट में जितनी एडीसी हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्टर यही है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो नोन एज पैरेलल कंपेरेटर टाइप, इसमें इसकी तरह किसी तरह काम करता है ये पैरेलल कंपेरेटर। अगर मैंने पीछे बताया था काउंटर में अगर कोई पैरेलल चीज़ है तो किसमें कितनी क्लॉक पल्स यूज होती है, उसमें सिर्फ एक क्लॉक पल्स यूज होती है, तो इसको अगर इसका अगर इनपुट हम कितना भी दें आउटपुट आने के लिए कितनी क्लॉक पल्स लगेगी, सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगेगी ठीक है ना। लास्ट ठीक है, लास्ट क्या है ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटेड क्या है ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। ये क्या है देखो, से कहा ये इंटीग्रेटर लगा हुआ है, ये कंपेरेटर है, ये एंड गेट है, बाइनरी काउंटर है, क्लॉक सर्किट है, यहाँ पर क्या एंड इनपुट बाइनरी आउटपुट, यहाँ से आउटपुट आता रहेगा। जो फिगर क्यों बता रहा हूँ कि फिगर पूछ देगा सारा कुछ लिखा होगा, बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, या फिर पूछ देगा ये क्या है ठीक है ना। एक नंबर कुछ ही पूछ सकता है, उनके दिमाग कुछ नहीं, IIT वाले कुछ ही बोल सकते हैं ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, उनका पॉइंट देख लो क्या है,
टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी जो होती हैं, टू की पावर एन प्लस वन, क्या टू की पावर एन प्लस वन या अप्रोक्सीमेटेड टू की पावर एन प्लस वन, ठीक है ना, टू की पावर एन प्लस एन या फिर टू की पावर एन प्लस वन अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, जो हमारा इनपुट होता है मोस्ट एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। देयरफॉर मोस्टली यूज इन डिजिटल वोल्टमीटर, ये किस में यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं डिजिटल वोल्टमीटर, इसे यूज किया होगा यार, इसी वाले एसी इलेक्ट्रिकल यार लैब में रखे होंगे, ठीक है ना, सब लोग यूज करते हैं। अगला क्या है, ये स्लोअर, बहुत स्लो स्लो करेगा क्योंकि इसमें टाइम पीरियड इतना लग रहा है तो सब स्लो होगा, इसको जो जितना टाइम लगेगा वो उतना स्लो होगा। उसमें सबसे फास्ट नहीं था फ्लैश टाइप, क्योंकि उसमें सिर्फ एक क्लॉक पल्स यूज रही थी, फास्टेस्ट था, इसमें क्लिक कितनी क्लॉक पल्स हो रही है, टू की पावर एन प्लस वन, फिर स्लोएस्ट है, बस इतना देख लो क्लॉक पल्स देख लो। हमने चार का ए डी सी पढ़े हैं, कौन कौन से, काउंटर, एस ए आर, फ्लैश टाइप एंड डुअल स्लो टाइप, ठीक है, उसकी टाइम क्लॉक पल्स देखो डायरेक्ट आ जाता है एक नंबर में, ठीक है ना। इसमें कितनी क्लॉक पल्स होती है, टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, इसमें एन फ्लैश टाइप में वन और डुअल स्लो में टू की पावर एन प्लस वन। टाइम कितना लगेगा, क्लॉक पल्स से मल्टीप्लाई कर दो टाइम निकल आएगा, इतना याद रखो, कितनी क्लॉक पल्स, टू की पावर एन माइनस वन पहले में, काउंटर टाइप में एस ई आर में एन वन लग रही है, फ्लैश टाइम केवल एक और डुअल स्लो काउंटर टाइप में टू की पावर एन प्लस वन, ठीक है। ठीक है, तो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है हमारा 10वां चैप्टर मिसलेनियस, ये हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके बाय।